हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब कक्षा माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश की एक ज़बरदस्त नोवेल है जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई है ना। नाम है डेविड कॉपरफील्ड। तो बहुत ही शानदार नोवेल है जिसका आज हम लोग समरी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बड़ी नोवेल है, एक करीब 64 चैप्टर्स है इसमें और करेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, 40 के आसपास इसमें करेक्टर्स हैं, तो वो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम सब करेक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जितना करेक्टर हम लोग को ज़रूरी है उतना ही पढ़ेंगे, चूँकि समरी है, बहुत बड़ा नोवेल का समरी। ठीक है, तो दो पार्ट में जाएगा ये, तो आज हम लोग इसका पहला पार्ट करेंगे। BSc डिग्री 2 में ये नोवेल है दिया हुआ है। जो लोग BSc कर रहे हैं या BCom कुछ भी है उसमें जो जो 50 का जिसके पास इंग्लिश है उसमें ये नोवेल दिया हुआ है। ठीक है, तो इस नोवेल का पूरा नाम है द पर्सनल हिस्ट्री एडवेंचर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। नाम है द पर्सनल हिस्ट्री एडवेंचर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ BL ब्लंडरस्टोन रुकड़ी। ये इस नोवेल का पूरा नाम है। ठीक है, तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है नोवेल है, और ये जो डेविड कॉपरफील्ड है ये एक इसमें ये करेक्टर है। ठीक है, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब लिखे तो उन्होंने खुद के बारे में है। ठीक है, उन अपने खुद के बचपन से लेकर के अपने राइटर तक जो बने वहाँ तक का इन्होंने अपना हिस्ट्री लिखा है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ फिक्शनल भी लिखा हुआ है, और इन्होंने अपना नाम न दे करके डेविड कॉपरफील्ड जो कि इसका नोवेल का एक करेक्टर है उनके मतलब खुद के बारे में डेविड कॉपरफील्ड का नाम लेकर के, ये फिक्शनल है नाम, फिक्शनल नाम है, तो उनका अपना खुद का हिस्ट्री जो है सो ये लिखे हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पढ़े। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीधा। डेविड कॉपरफील्ड द फुल पर्सनल नाम हो गया, पूरा नाम इधर लिख दिए हम। नोवेल बाय इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया, पब्लिश हुआ था 1849 से 50, मतलब कि और ये बुक के फॉर्म में कब आया था 1850 में। डेविड कॉपर हैज बीन अमंग डिकेंस मोस्ट पॉपुलर नोवेल्स, मतलब उसका ये मेन करेक्टर रहा है। अबाउट एंड वॉज हिज ऑन फेवरेट चाइल्ड हिज दिस वर्क इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एंड ऑल थ्रू द टाइटल करेक्टर डिफरेंट फ्रॉम हिज क्रिएटेड इन मेनी डेज डिकेंस रिलेटेड अर्ली पर्सनल एक्सपीरियंस दैट हैड मीन टू हीम। खुद के बारे में लिखा है, खुद का हिस्ट्री लिखा है, जो वो बचपन में फैक्ट्री में काम करते थे, स्कूलिंग रीडिंग, और वहाँ से नोवेल मतलब कि वो जो राइटर बनने तक की कहानी खुद के बारे में लिखा है। ठीक है, किसके नाम से, डेविड कॉपरफील्ड के नाम से। ठीक है, तो इसमें हम लोग वन बाय वन करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं नोवेल कहाँ से शुरू होता है। द स्टोरी इज टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन बाय अ मिडिल एज डेविड कॉपरफील्ड। किसके बारे में है, डेविड कॉपरफील्ड का, मतलब है तो राइटर के बारे में लेकिन नाम किसका है, डेविड कॉपरफील्ड का है ना। हु इज लुकिंग बैक ऑन हिज लाइफ, जो खुद के लाइफ के बारे में पीछे पलट के जो है सो लिख रहे हैं, मतलब क्या खुद के लाइफ के बारे में लिख रहे हैं। सबसे पहला करेक्टर है वो डेविड कॉपरफील्ड जिनके बारे में ये नोवेल है, डेविड कॉपर। इधर हम सारे करेक्टर्स का नाम लिखते जाएंगे। ठीक है, जिसमें पहला हो गया डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, हु इज़ लुकिंग बैक ऑन, डेविड इज बॉर्न इन ब्लंडरस्टोन, जगह का नाम है इंग्लैंड में, एक विलेज है ब्लंडरस्टोन सफोल्क, 6 मंथ आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पिता के 6 महीने हुए थे मरे हुए, इसके बाद इनका जन्म हुआ था, किसका, डेविड कॉपरफील्ड का। एंड ही इज रेज्ड बाय हिज मदर एंड हर डिवोटेड हाउसकीपर क्लारा पेगोटी, अपनी माँ के द्वारा और किसके द्वारा ये बड़े हुए, मतलब कि 8 साल के 6 साल के 7 साल के, मतलब थोड़ा बड़ा हुए वो, किसके बारे, किसके, क्लारा पेगोटी, जो इनके घर की क्या है, हाउसकीपर है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा नाम आ गया क्लारा पेगोटी, CLARA ठीक
ठीक है, क्लारा पेकोटी कौन है, ये हाउसकीपर है किसका, डेविड कॉपरफील्ड के घर का, ठीक है। कुछ छः मतलब पिता के मरने के 6 महीने बाद जो है उनका जन्म हुआ डेविड कॉपरफील्ड का, और ये किसके द्वारा मतलब कि किनके द्वारा ये लाले पाले गए, मतलब क्लारा पेगोटी और ये उनकी अपनी माँ के द्वारा। एज अ यंग चाइल्ड सी स्पेंड्स अ फ्यू डेज विथ पेगोटी एट द होम ऑफ हर ब्रदर मिस्टर पेगोटी इन यरमाउथ, मतलब जब ये थोड़ा बड़ा हुआ उसके बाद ये कहाँ चले गए, ये गए अपने जो मतलब कि हाउस कीपर थी उसके घर में रहे थोड़ा दिन, ठीक है। उसके बाद विच मिस्टर पेगोटी शेयर्स विथ हैम एंड इमली, जो कि मतलब क्लारा पेगोटी के यहाँ कुछ दिन रहे, जो इसके हाउस कीपर थी इसके यहाँ और इनके यहाँ रहे, तो ये किसके साथ रहते थे, क्लारा पेगोटी, ये अपने भाई के यहाँ रहते थे, क्या नाम था उनका, मिस्टर पेगोटी, और इनकी भतीजी मतलब क्लारा पेगोटी की भतीजी इमली, और एक और आदमी रहता था शेयर्स विथ हैम एंड इमली, तीन और दो करेक्टर और आ गया, ठीक है। ई एम आई एल वाई इमली, ये किसकी, इसकी भतीजी थी, किसकी, क्लारा पेगोटी की नीस, एन आई इस नीस, ठीक है। और एक और करेक्टर क्या नाम है उसका, हैम, हैम और इमली, ठीक है। हिज ऑफ एंड नेफ्यू एंड नीस, नेफ्यू और नीस थी किसकी, ये क्लारा पेगोटी की, ये दोनों, ठीक। हिज ऑर्फेन रिसेंटली विद द विजिट मींस रेविड लर्न्स दैट हिज मदर हैड मैरिज, जब वो वहाँ से लौटा, किसके यहाँ से, क्लारा पेगोटी अपने हाउसकीपर के घर से जब वो लौटा, तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ ने किससे शादी कर ली है, किससे, एक आदमी का नाम है एडवर्ड मडरस्टोन, पांचवा करेक्टर कौन है, एडवर्ड मडरस्टोन, MUMURDS मडरस्टोन, ठीक है। जब वो वहाँ से लौटा तो क्या देखा कि इसकी माँ ने किससे शादी कर ली है, एक आदमी से शादी कर ली है, क्रूएल एंड कंट्रोलिंग, क्या था वो, बदमाश आदमी था, क्या नाम था उसका, एडवर्ड मडस्टोन, क्या नाम था, एडवर्ड मडस्टोन, ये कौन था, अब ये हो गया उसका पिता, किसका, डेविड कॉपरफील्ड का, ठीक है, फादर हो गया, ठीक है, वो बदमाश था, ठीक है, उस क्या था, क्रूएल था। That evening, Mr. Murdstone takes David to his bedroom to beat him. बदमाश था तो क्या किया, ये जो है, जब ये घर लौटा तो वहाँ पे ये उसने क्या किया, ये डेविड कॉपरफील्ड को क्या किया, एक रूम में बंद करके उसको बहुत पीटा, और डेविड ने क्या किया, उसको दांत काट लिया हाथ में, ठीक है। आफ्टर दैट द 8-year-old डेविड इज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, उसके बाद क्या किया ये एडवर्ड मडरस्टोन, क्या किया उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, ठीक है, रन बाय सैडिस्टिक मिस्टर क्रेकल, ये सब नाम याद रखना उतना जरूरी नहीं है, ये याद है, एडवर्ड मडरस्टोन याद है ना। देयर डेविड बिकम्स फ्रेंड्स विद द काइंड एंड स्टीफन टॉमी, अच्छा यहाँ पे इसका दो दोस्त बना, जो बोर्डिंग स्कूल वो चला गया डेविड कॉपरफील्ड, यहाँ इसका दो दोस्त बना, एक का क्या नाम था, जेम्स स्टीरफोर्थ, जेम्स एस टी डबल ई स्टीरफोर्थ, और एक और दोस्त बना उसका क्या नाम था, सारा करेक्टर का नाम इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि सब आगे फिर से आएगा, ठीक है, एक मिनट, क्या वहाँ करेक्टर था, ये छः करेक्टर हो गया था ना, सेवन, अब कौन, एक तो जेम्स स्टीरफोर्थ, दो दोस्त बना इसका वहाँ पे, दूसरा क्या नाम था, टॉमी ट्रेडल्स, टॉमी ट्रेडल्स, यहाँ पे उसका दो दोस्त बना, कहाँ पे, बोर्डिंग स्कूल में, ठीक। पार्थवे थ्रू डेविड सेकेंड सेमेस्टर एट द स्कूल, हिज मदर डाइज शॉर्टली आफ्टर गिविंग बर्थ, अब उसके बाद क्या हुआ, जब कुछ ही दिन बाद जो है सो, जब वो ये बोर्डिंग स्कूल में उसका एडमिशन हुआ, कुछ दिन बाद उसकी माता भी, उसकी मम्मी का भी डेथ हो गया है ना, पेगोट, ये सॉरी, डेविड कॉपरफील्ड की माता का भी डेथ हो गया। आफ्टर डैट पेगोटी इज डिसमिस्ड एंड सी मैरिज बार्किस, अब वो जो पेगोटी था, पेगोटी कौन था, डेविड कॉपरफील्ड के यहाँ जो नौकरानी थी उसका नाम था ना, ठीक है, हाँ, वो भी, उसको भी डिसमिस्ड कर दिया वो मडरस्टोन, उसको भी काम पर से हटा दिया, अपने घर से काम पर से हटा दिया, उसका शादी किससे हो गया, बार्किस से, ठीक है, ये सब नाम याद रखना है। डेविड इज़ नॉट रिटर्न टू स्कूल, उसके बाद वो स्कूल भी नहीं गया है ना, एंड द एज ऑफ 10 ही सेंट, उसके बाद उसके पिता क्या किए, वहाँ से जब वो स्कूल से लौटा, रिटर्न हुआ, जब उसकी मम्मी का डेथ हो गया, तो उसको क्या किया, स्कूल फिर दोबारा नहीं भेजा, ठीक है, मडस्टोन ने उसको क्या किया, काम पे भेज दिया, काम पे कहाँ भेजा, एट मडस्टोन्स वाइन बॉटलिंग फैक्ट्री इन लंदन, कहाँ भेज दिया, लंदन भेज दिया, अपने वाइन बॉटलिंग फैक्ट्री में, ठीक है। He lodges at the home of Mr. and Mrs. MacBear. जो वो वहाँ पे जो फैक्ट्री नहीं भेजा तो वो वहाँ पे किसके साथ रहता था, एक फैमिली था, ठीक है, MacBear फैमिली,
ये आठवां करेक्टर हो गया, कौन? मैकवेयर फैमिली, मिस्टर एंड मिसेज मैकवेयर, मिस्टर एंड मिसेज मैकवेयर। इसके फैमिली, ये दो जो मिस्टर एंड मिसेज था, ये दोनों मैकबेयर, ये क्या था, बहुत ही अच्छा, मतलब कि क्या बोलते हैं, जेनरस कपल है ना, उदार, ठीक है। इन लोग का इनकम उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है सो ये लोग अच्छा आदमी था। तो उसके साथ ये डेविड कॉपरफील्ड उस सब के उनके साथ रहने लगा, ठीक है। फैक्ट्री में काम करता था ये लोग भी, मिस्टर एंड मिसेज मैकबेयर, जिस फैक्ट्री में उसके पिता ने उसको भेज दिया था काम करने के लिए, ठीक है। उसका जो उस लोग के घर में हमेशा फाइनेंशियली, मतलब कि वो लोग पुअर था, फाइनेंशियली पुअर था मिस्टर एंड मिसेज मैकबेयर, फिर भी वो उसको रखने के लिए तैयार था, उसके साथ रहता था, ठीक है। मैकबेयर इज़ सेंट टू डिपोर्ट, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, इवेंचुअली मिस्टर मैकबेयर इज़ सेंट टू डिपोर्टर्स प्रिजन, मतलब उसको फंसा दिया गया मैकबेयर को, मिस्टर मैकबेयर को, और वो क्या चला गया, जेल चला गया, ठीक है। आफ्टर विच डेविड रन्स अवे टू डोवर टू फाइंड हिज ग्रेट, अब वो कहाँ जाता, अब मैकबेयर भी नहीं था, उसके यहाँ रहता था, अब वो भी चला गया जेल, तो अभी कहाँ जाता, तो क्या कि इसको जो है सो एक अंट है इसका, ग्रेट अंट बोलते हैं, वो उसको बोलता था, सेल्फ सफिशियंट मिस बेटेस्टी ट्रोडूड, ये अपने एक अंटी के यहाँ चला गया, ठीक है। उसका नाम क्या था, ये भी नाम याद रखना जरूरी है, इनका नाम था मिस BEST, मिस बेस्टेसी ट्रोवुड, ट्रोटवुड, इनके यहाँ चला गया, ठीक है। इनके यहाँ भी कुछ दिन तक रहा, ठीक है। एंड ऑन एडवाइस ऑफ हर सिंपली माइंडेड एंड गुड हार्टेड ब्रॉडर मिस्टर डिक, ये मिस्टर डिक भी वहीं पे रहते थे, ठीक है। टोटल अभी तक 10 करेक्टर हो चुका है, ठीक है। तो मिस्टर ये अंट थी उनकी, मिस बेटेस्टी ट्रोडूड के यहाँ रहता था, उसके यहाँ ये भी रहता था, मिसेज मिस्टर डिक, ठीक है। आगे देखते क्या, मिस बेटेस्टी अरेंजेज फॉर डेविड टू गो टू अ स्कूल रन बाय डॉक्टर, अच्छा है। वहाँ पे जब ये गया तो वहाँ पे इसकी जो अंट थी मिस्टर सॉरी मिस बेटेस्टी, उसने क्या किया, उसका एडमिशन करा दिया एक स्कूल में जो कौन चलाता था, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, एंड टू स्टे विथ हर बिजनेस मैनेजर मिस्टर विकफील्ड, अब वो वहाँ किसके साथ रहने लगा, ठीक है। स्कूल भेज दिया मिस्टर, और वो मिस्टर और उसका जो मैनेजर था, इस अंट की जो मैनेजर थी, वो उसका क्या नाम था, मिस्टर विकफील्ड, 11वां करेक्टर होगा, ठीक है। उसका नाम था मिस्टर विकफील्ड, ये अंट की मैनेजर थी, ठीक है। इसके यहाँ वो रहने लगा डेविड कॉपरफील्ड, उसका एडमिशन कहाँ हो गया था, एक स्कूल में हो गया था जो कौन चलाता था, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, एंड टू स्टे विथ हर बिजनेस एंड मिस्टर विकफील्ड एंड हिज डॉटर एजिन्स, अच्छा ये 12वां करेक्टर, मिसेस एजिन्स है ना, एजिन्स याद रखो, AGENS, ये कौन थी मिस्टर, ये लड़की कौन थी, मिस्टर विकफील्ड की डाउटर, ठीक है। अच्छा उसके यहाँ मिस्टर विकफील्ड के यहाँ, ठीक है, अभी इसके यहाँ रहता था, जिस स्कूल में एडमिशन हुआ था उसको कौन चला था, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, और मिस्टर विकफील्ड कौन था, ये उसकी अंट की, उसकी अंट की ये कौन थी, मैनेजर, ठीक है। और ये एजेंस उसकी बेटी, और एक और करेक्टर है, इस करेक्टर का नाम याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ये क्या होने वाला है, विलेन बनने वाला है, इसका नाम है उड़िए हीप, URIH, उड़ियूर हीप। इस करेक्टर को आप लोग याद रखिए, ये विलेन बनने वाला है बाद में। ये कौन था, तो ये मिस्टर विकफील्ड के यहाँ क्या करता था, क्लर्क का काम करता था, ठीक है। अब फिर से याद रखिए, मिस्टर विकफील्ड कौन था, मैनेजर था, किसका मैनेजर था, उस अंट की, ठीक है, बेस्टेस्टी नाम था, ठीक है। उसके बाद एजेंस कौन थी, इसकी डाउटर थी, और मिस्टर विकफील्ड के यहाँ कौन ठहरने वाला था, डेविड कॉपरफील्ड, और उसका कौन सा स्कूल में एडमिशन हुआ था, जो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग चलाता था, ठीक है। और रुड़िया हीप कौन था, उसके मिस्टर विकफील्ड के यहाँ क्लर्क का काम करता था, ठीक है। अब इसके आगे जो है क्या हुआ, ये हम लोग अब इसके दूसरे एपिसोड में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ ऐसा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।